शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। मैक की शादी अपने कज़न ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास नंद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत नहीं। मैक कोई जवाब न देती। वक्त गुजरने लगा, 5 साल गुजर गए, लेकिन महक माँ ना बन सकी। फूफो सास नंद यहाँ तक के तहर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती है मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। महक हर शाम तन सहते हुए सोती और सुबह सख्त लहजे उसके मुंतजर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मैं अब बातें सुन सुनकर थक गई हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। मैक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब तहर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन मैक खाना बना रही थी, तहर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, तहर बेटा ये कौन है? तहर मुस्कराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर मैक की तरफ देख कर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? तहर मैक की तरफ देख कर 3 बार तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश थे, महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये माशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी कि आने वाला वक्त इस पर कहर बरसाएगा, वो कब जानती थी इसके दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। अब क्या शिकवा करती और क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, मोबाइल लिया और अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। तहर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। मैग ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। तहर की तरफ मुस्कराकर देखने लगी, पागलों किसी को दुख नहीं देती, मैं बस दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। तुम दोनों खुश रहो और ये लो 70,000 रुपये, कहते थे बाइक लेनी है अब ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें शादी का गिफ्ट है। तहर मैक की आंखों में देखने लगा, गम का एक भी आंसू न था, न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी, यूँ लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फूफो के सामने सर झुकाया, फूफो जान चलो माना मैं मनहूस हूँ, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो हैं, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फूफो ने मुँह मोड़ लिया, पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें बर्बाद जिंदगी लिए किससे कहती किसको सुनाती। रिक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई, मुस्करा रही थी। अम्मी से मिली, भाभी भाई अब्बा सब घर थे, सबसे मुस्कराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, मैं खैर तो है, आज इस वक्त और अकेली ही आई हो, तहर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी, जुर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना दे दे। अम्मी कुछ न समझ पा रही थी। महक को खाना दिया, खाना खाकर कहने लगी, अम्मी कुछ देर सो जाओ। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता क्या हुआ है? तहर ने कुछ कहा है? महक ने कहा, अम्मी किसने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाओ। माँ ने सीने से लगाया, महक तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। मैं माँ के सीने लगी हुई मुस्कराने लगी, आवाज़ कांपने लगी, अम्मी तहर ने मुझे तलाक दे दी है। माँ को यकीन नहीं हो रहा था और कहा कि मेरी बच्ची तुम ये क्या कह रही हो? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना, जो होना था हो गया, मुझ पर इस एक कयामत का आना ज़रूरी था जो आकर गुजर गई, अब प्लीज़ इस बात को भूल जाएं, बस मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी और कहा, हम इन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक मोहर की बात करेंगे। महक मुस्कराने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोक लग गई, आप हक मोहर की बात कर रही है, क्या होगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चार लोग इकट्ठे होंगे मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी इसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करें। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ये कहानी हर घर में चलती है कि जब कोई औलाद ना हो रही हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, ये नहीं सोचता कि मेरी बीवी का क्या होगा और वह क्या सोचेगी। ये बहुत बुरी बात है कि अपनी बीवी होने के बावजूद भी आप दूसरी शादी करें। अल्लाह ताला औलाद देने वाला है और वो देता भी है, बस इंसान सब्र नहीं करता। हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखें और उनकी कद्र करें।